दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। मैं आपको पोंजी स्कीमों से बचाने के लिए हमेशा कोशिश कर रहा होता हूं, हमेशा मैं वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूं कि इन पोंजी स्कीमों से बचें। बी फॉर यू ग्लोबल उन पोंजी स्कीमों में से एक पोंजी स्कीम थी। उसके बाद उसको एसआर ग्रुप किया गया, लाखों लोग लूटे उस पोंजी स्कीम की वजह से। हमारी वीडियोज़ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लाखों बच भी गए, लेकिन कुछ लोग बेचारे इन पोंजी स्कीमों की बातों में आ गए। अच्छा, उसके बाद अभी जब लोगों को पैसे नहीं मिल रहे तो कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनको पैसे मिलने की बजाय वो अपना केस ख़राब कर रहे हैं। पैसे किसी को नहीं मिलेंगे, केस और ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। एक आपको सही अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाता हूँ। मेरे आसपास मेरे जानने वालों में ये वाक़या हुआ है, जिसकी गलती का उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। आप अगर ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको भी इस कहानी को सुनना चाहिए और इसे सबक सीखना चाहिए, ताकि आपका भी ये नुकसान ना हो। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी वो करते थे, तो उनको सरकार ने घर दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने पैसे बना के एक मकान बना लिया अपना। बनाकर उसने कहा किराए पे दे दूँगा, किराए पे दिया। 5 साल बाद वो रिटायर हुए तो उसने सोचा कि अब किराएदारों को कह दूँगा कि घर खाली करो। किराएदार घर खाली नहीं कर रहे थे, तो उस बंदे को किसी बेवकूफ़ ने मशवरा दिया कि जाओ और किराएदारों को डराओ धमकाओ कुछ गुंडे हायर करके। उस बेवकूफ़ ने बात मान ली उनकी और गुंडे हायर करके किराएदारों के घर पर चले गए, उनको डराया धमकाया। बदले में किराएदारों ने FIR दर्ज करवाई कि हमें मालिक मकान तंग कर रहा है। अदालत में केस चला गया। वो केस 4-5 साल तक चलता रहा और उन 4-5 सालों में उस बंदे का घर भी खाली नहीं हुआ। साथ में उसने अपने ऊपर एक और मतलब कानूनी सज़ा ख़ुद के ऊपर लगवा दी कि किसी दूसरे की चार दीवारी पे जाकर उसने हमला करने की कोशिश की है। तो दो गलतियां आपने नहीं करनी। आपने पहली गलती ये की है कि आपने एक फ्राडिया स्कीम में पैसे लगाए हैं। अब आप दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सैफुररहमान हो सकता है ख़ुद इस तरह की कोई हरकत करवाना चाहता हो। भाई वो जो बंदा है ना, जितना शातिर दिमाग का बंदा है, उससे तो ये भी तवक्को किया जा सकता है कि वो ख़ुद इस तरह की कार्रवाई करवा ले कि मेरे साथ ये सज़ा हुई है या मुझे इन लोगों ने मारा है, वो एक और केस शुरू कर दे तो क्या करोगे। तो इस चीज़ से बचो। और मैं स्ट्रांगली मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की। कभी भी कानून को हाथ लेने में कभी भी इस तरह की गलती मत करें कि आप जो है ना स्टेट वाले काम आप करने लग जाएं। किसी भी BFRU मेंबर को ये कोई अख्तियार नहीं पहुँचता कि वो किसी भी लीडर के घर जाए, तोड़ फोड़ करे या कुछ करे। किसी को कोई अख्तियार नहीं पहुँचता। कानून पे बिलीव करें, हुकूमती इदारों के पास जाएं, अपने सबूतों के साथ जाएं और वेट करें कि नैब के साथ कब सैफुररहमान प्ली बारगेन करता है, या अगर प्ली बारगेन नहीं करता उसको जेल भेजा जाता है तो फ्रीज अकाउंट्स में कितने पैसे हैं जो आप लोगों में तकसीम होंगे। नैब के हवाले से मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो नैब ने लोगों के पैसे वापस किए हैं, आपके पैसे भी वापस होंगे। बस सब्र का दामन ना छोड़ें। हाँ, अगर आप लोगों ने एहतजाज करना है तो पुरअमन एहतजाज करें। जिस दिन कोर्ट के पास जाइए, जिस दिन ये नैब के पास जाए, प्रेस क्लब्स के बाहर जाएँ। 5 लाख लोग हैं यार, जुरत करें और बाहर निकलें। अल्लाह आप सबका हमनासर हो। अल्लाह हाफिज़।